हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस। और आज प्रस्तुत है फॉरेन वर्ड्स का सिंगुलर से प्लुरल चेंज करना। सबसे पहले फॉरेन वर्ड्स किसे कहते हैं इसे समझना है हमें। हम सबको पता है कि हम सब ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो वैसे वर्ड्स जो ब्रिटिश इंग्लिश वाले हैं वे तो ठीक हैं, लेकिन दूसरे देश के वर्ड्स जो ब्रिटिश इंग्लिश में शामिल हो जाते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं फॉरेन वर्ड्स। और उन्हीं वर्ड्स का सिंगुलर से प्लुरल चेंज करना हमें आज सीखना है, जिनकी एक ग्रुपिंग कर दी गई है ताकि समझना आसान रहे। देखिए अभी जो रेड में आपको दिख रहा है, पहले देख लीजिए जो सिंगुलर वर्ड होगा उसके अंत में यूएस होगा, और जब हम इसे चेंज करेंगे प्लुरल में तो यूएस की जगह पे हमें आई करना पड़ेगा, यूएस को आई करना पड़ेगा। इस ग्रुप के वर्ड्स आपके समक्ष हैं, देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले है रेडियस, रेडियस यहाँ पे यूएस है। इन सब का उच्चारण और हिंदी लिखा हुआ नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, वहाँ देख लेंगे। पहले समझ लेते हैं इसका उच्चारण, देख लीजिए उच्चारण और हिंदी लिखा हुआ स्लाइड है, अलग से रखा हूँ। पहले समझते हैं कैसे बना हुआ है। सो चेंज करने के लिए जो यूएस वाले वर्ड होंगे वहां पे ईवीएस के बदले में हमें आई करना पड़ेगा। तो रेडियस यहाँ पे मैं सर्कल कर दिया हूँ ईवीएस को, बचा है आर ए डी आई, तो चेंज होकर क्या होना चाहिए आर ए डी आई और ईवीएस की जगह पे आई, मतलब आर ए डी डी आई। देखिए वही है आर ए डी डी आर ए डी आई आई, दो आई होगा यहाँ पे, दो आर डी बोल दिया था, दो आई होगा। ये हो गया रेडियस। फिर है कैक्टस, कैक्टस में यूएस की जगह पे आई होना है, तो क्या होना चाहिए सी ए सी टी, ये तो ठीक है, और यहाँ पर आई होगा सी ए सी टी आई, कैक्टी, देखिए कैक्टी है। फिर स्टिम्यूलस, स्टिम्यूलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहक, स्टिम्यूलस, तो यहाँ पे यूएस हट जाएगा तो एल के बाद आई आ जाएगा, एस टी आई एम यू एल आई, एस टी यू एम यू एल आई, स्टिम्यूली। लोकस, इसे लोकस पढ़ते हैं, यूएस हटेगा तो क्या बचेगा एल ओ सी बचेगा, और यहाँ पर आई आएगा तो एल ओ सी आई लोकी। और ऐसे ही सिलेबस, सिलेबस में हम यूएस हटाएंगे तो एस वाई एल एल बी और फिर आई होगा सिलेबी हो जाएगा। तो आपने देखा कि अंत में इनके यूएस है तो यूएस को हम चेंज कर देंगे आई में और बन जाएगा प्लुरल। तो रेडियस सिंगुलर है, हिंदी तिरजिया होती है, इसका प्लुरल होता है रेडी। कैक्टस नागफनी, इसका होता है कैक्टी। स्टिम्यूलस प्रोत्साहक, स्टिम्यूली। लोकस केंद्रक, लोकी। सिलेबस पाठ्यक्रम, सिलेबी। पढ़ दिया, आगे के स्लाइड में दिखा दिया हूँ, उच्चारण भी लिखा है हिंदी भी लिखा है। आगे देखिए अभी होगा सिंगुलर वर्ड के अंत में आईएस, इस आईएस को हमें ईएस करना है। फॉरेन वर्ड से अलग रूल होता है, इस आईएस को ईएस करना है। तो देखिए एक्सिस, एक्सिस आईएस है अंत में। एनालिसिस अंत में आईएस है। क्राइसिस अंत में आईएस है। हाइपोथेसिस अंत में आईएस है। ये सभी आईएस चेंज हो जाएंगे ईएस में, तो आईएस मतलब ए एक्स और फिर आईएस के जगह पे ईएस, एक्सेस, देखिए यही है एक्सेस। एनालिसिस एनालिसिज, क्राइसिस क्राइसिज, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंत में आईएस है वह चेंज हो जा रहा है ई एस में। तो पहला में था यू एस था, चेंज हुआ आई में। दूसरा रूल में आई एस था, चेंज हुआ ई एस में। और भी हैं, देखिए हिंदी उच्चारण सब मिलने वाला है अगले स्लाइड में, चिंता मत करिए। अभी अंत में होगा ओ एन, ओ एन उसे चेंज करना होगा, ओ एन के बदले में लिखना होगा हमें प्लुरल वाले वर्ड में ए। देखिए क्राइटेरियन, इसे क्राइटेरियन पढ़ते हैं, ओ एन है। फिनोमिनन यहाँ पर भी ओ एन है।
तो क्राइटेरियन में सी आर आई टी ई आर आई, ओ एंड जब पे ए, तो यहाँ तक तो ठीक है, आई तक, और फिर ए आ गया क्राइटेरिया। फिनोमिनन, एम ई एन के बाद आना चाहिए ए, एम ई एन के बाद ए आया है, फिनोमिना। तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना। पहले क्या पढ़े थे आप, यू एस होगा तो आई, दूसरा में क्या पढ़े, आई एस होगा तो ई एस, अभी क्या, ओ एन होगा तो ए, अभी यू एम होगा तो ए करना है, यू एम को ए में चेंज करना है। देखिए, स्टेडियम यू एम, बैक्ट्रियम यू एम, करिकुलम यू एम, मीडियम यू एम, डाटम यू एम, स्पेक्ट्रम यू एम, और मेमोरेंडम यू एम, सब में यू एम है। और जहाँ जहाँ यू एम है वह ए में बदल जाएगा, एस टी एस टी ए डी आई, यू एम की जगह पे आ जाएगा ए, स्टेडिया स्टेडिया, स्टेडियम का स्टेडिया, बैक्ट्रियम का बैक्ट्रिया, करिकुलम इसे करिकुलम पढ़ते हैं, इसे करिकुला, मीडियम का मीडिया, डाटम का डेटा, इसे डेटा पढ़ते हैं, लिखा मिलेगा अगले स्लाइड में, स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। इस तरह से आपने देखा चार ग्रुप, चार ग्रुप ही है। क्या किया कि अगर फॉरेन वर्ड के अंत में यूएस होगा तो उसको आई में बदलिएगा, अगर आई एस होगा तो उसे ई एस में बदलिएगा, अगर ओ एन होगा तो उसे ए में बदलिएगा, और फिर यू एम एस नहीं, अगर यू एम होगा तो उसे ए में बदलिएगा। तो ओ एन और यू एम दोनों को तो ए में बदलना है, यू एस को आई में और आई एस को ई एस में चेंज करना है। इस तरह से आप किसी भी फॉरेन वर्ड्स का जो इस ग्रुप में होंगे, कुछ हैं जैसे कि इंडेक्स, इंडेक्स इस ग्रुप में नहीं है, ईएक्स नहीं होता है, इसमें नहीं लिखा हमने, इसका होता है इंडिसेस, इंडेक्स का इंडिसेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और है फॉर्मूला, एफ आर एम यू एल ए, फॉर्मूला का दो होता है प्लूरल, एक तो होता है फॉर्मूलाज और दूसरा होता है एम यू एल ए ई, फॉर्मूलाई, फॉर्मूला का दो प्लूरल फॉर्मूलाज चाहे फॉर्मूलाई, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे आप। और यह रूल पे नहीं है, जो चार रूल पर है उसमें नहीं है, लेकिन अधिकतर फॉरेन वर्ड्स इन चार ग्रुप में फॉल कर लेते हैं, तो हम कर देंगे काम। और जो मेन है, जो एग्जाम में आते हैं, फॉर्मूला और इंडेक्स, इसका भी आपने पढ़ ही लिया, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, अभी आपने यू एस को आई में चेंज किया था, क्या था, था रेडियस, रेडियस का क्या होता है त्रिज्या, इसको रेडी पढ़ते हैं, कैक्टस नागफनी, इसको कैक्टी पढ़ते हैं, स्टिम्यूलस मतलब प्रोत्साहन, इसको स्टिम्यूली पढ़ते हैं, लोकस केंद्रक लोकी पढ़ते हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम सिलेबी पढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से देख सकते हैं, एक्सिस हिंदी होती है अक्ष, इसे एक्सिस पढ़ते हैं, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एनालिसिज पढ़ते हैं, क्राइसिस संकट, क्राइसिज पढ़ते हैं, हाइपोथीसिस परिकल्पना, हाइपोथीसिज पढ़ते हैं। अगली स्लाइड में, क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड, तो क्राइटेरिया पढ़ते हैं, फिनोमिनन हिंदी होती है प्रवृत्ति, इसका फिनोमिना पढ़ते हैं, स्टेडियम हिंदी स्टेडियम ही होती है, स्टेडिया पढ़ते हैं, बैक्ट्रियम जीवाणु, इसका बैक्ट्रिया पढ़ते हैं, करिकुलम पाठ्यक्रम करिकुला पढ़ते हैं, मीडियम का माध्यम होता है तो मीडिया पढ़ते हैं, डाटम को डेटा पढ़ते हैं, इसको डाटा नहीं पढ़ते डेटा पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम का वर्णपट हिंदी होता है इसे स्पेक्ट्रा कहते हैं, मेमोरेंडम की हिंदी होती है मेमोरेंडा, नहीं हिंदी नहीं मेमोरेंडम पढ़ते हैं इसे, और इसे मेमोरेंडा हिंदी इसकी होती है स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह मेमोरेंडम मतलब, नहीं नहीं गलत बोल दिया मैंने, मेमोरेंडम की हिंदी होती है ज्ञापन, इसकी हिंदी होती है ज्ञापन, तो मेमोरेंडम का हिंदी ज्ञापन, इसको मेमोरेंडा पढ़ते हैं।
इस तरह से आपने पूरे रूल पढ़ी। फिर से एक बार कह देता हूँ कि अगर यूएस होगा अंत में तो उसे आई में चेंज करिएगा, कैक्टस का कैक्टी, और अगर आई एस होगा तो उसे ई एस में चेंज करिएगा, एक्सिस का एक्सेस, फिर ओ एन का ए, ये तो यहीं पे है, ओ एन का एम ए, और यू एम का भी एम ए चेंज करना है। अधिकतर फॉरेन वर्ड्स इसी ग्रुप में फॉल करते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।